महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि आपको पैसा, पावर या पॉलिटिक्स, इन तीनों में से क्या चाहिए, जाहिर सी बात है कि इसमें से जो भी आपके पास में पहले से अवेलेबल है उसके अतिरिक्त जो है वो आप लेना पसंद करेंगे। यदि आपके पास में पैसा भरपूर है तो हो सकता है आप पॉलिटिक्स में आकर के पावरफुल बनना चाहें। यदि आप पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके पीछे खड़े रहते हैं, आपकी आवाज़ से आवाज़ मिला करके खड़े रहते हैं, परंतु यदि पैसा आपके पास में नहीं है तो आप कम से कम आज के परिदृश्य में भारतीय राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको पैसे की आवश्यकता होगी। साथियों, आज जिस विलक्षण राजयोग की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो यदि मेष लग्न के किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में घटित हो, ऐसे सुयोग यदि हो, तो उसको पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। और मैं कहूं कि यदि ये तीनों मिल जाए तब ही वो सही मायने में राजयोग कहा जा सकता है। ऐसा कब होता है उस स्थिति को हम जानेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, यहाँ पर दो बातों का आप विशेष ख्याल रखें। एक तो अपना कमेंट लिखने से पहले आप हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, यदि आज जिस योग की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे कोई क्लासिकल या शास्त्रीय नाम देना ही हो तो उसका शास्त्रीय नाम है मंडल योग। तो कैसे ये मंडल आपको राजयोग के शिखर पर पहुंचाएगा, आइए जान लें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। ये जो विलक्षण राजयोग है ये मेष योग मेष लग्न की जन्म पत्रिका में ही घटित होता है। अब यहाँ पर मैं दो स्थितियाँ आपको बतला रहा हूँ जब जब ये योग घटित होगा। मेष लग्न, यदि लग्न में ही मंगल और गुरु की युति हो, पहली स्थिति है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंगल इस जन्म पत्रिका का लग्नेश भी है, साथ ही अष्टमेश भी है और लग्न में होकर के वो प्रबल प्रतापी राजयोग बना रहा है, साथ में उसको गुरुदेव का सानिध्य भी मिल रहा है। यहाँ पर यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो लग्नेश और नवमेश अर्थात भाग्येश, इन दोनों का संयोग जबरदस्त राजयोग, रूचक योग तो यहाँ पर निर्मित हो ही रहा है। ये थी पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति, यदि इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका में लग्न में ही मंगल देव विराजमान हैं और चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है वहां पर गुरुदेव विराजमान हो जाएं, तो आप देख रहे हैं कि दो दो पंच महापुरुष योग यहां पर बन रहे हैं। लग्न में रूचक योग बन रहा है और सुख भाव में यहां पर आपको हंस योग बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इन दोनों में से चाहे कोई भी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में हो, ये तीनों चीजें, पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, ये आपकी झोली में होगी। जब जब ये स्थितियां किसी मेष लग्न की जन्म पत्रिका में होती हैं तो यहां पर मंगल की दशा या गुरु की दशा और अंतर दशा में ऐसा व्यक्ति परम राज सुख का, राजयोग का उपभोग करता है, अनुभव करता है, परम प्रतापी जैसा कि मैंने कहा, और अत्यंत शक्तिशाली वो बनता है। चाहे फिर वो प्रशासन में रह करके बने या राजनीति में बन करके रहे, और कई मामलों तो मैंने देखा है कि व्यक्ति चाहे ना तो राजनीति में है ना प्रशासन में है पर वो अप्रत्यक्ष रूप से पावर को संचालित कर रहा है, इतना जबरदस्त ये योग है।
ऐसा जो व्यक्ति है वो सफलता की सीढ़ियां बहुत जल्दी जल्दी चढ़ता है, क्योंकि यदि शिखर पर पहुंचना है तो धीरे धीरे चलने से काम नहीं चलेगा, और यही योग यहां पर इनको मदद करता है शीघ्रता से सीढ़ियां चढ़ने में। ऐसा व्यक्ति किसी भी सभा में या तो मुख्य अतिथि बनकर शामिल होता है या उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करता है, कभी वो आम दर्शक बनकर के किसी सभा में नहीं जाता है, हमेशा मंच पर ही ऐसा व्यक्ति आसीन होता है। महत्वाकांक्षी इतना जबरदस्त होता है कि सीधे रास्ते से कोई चीज मिले तो बेहतर, नहीं तो उसको टेढ़ी उंगली करके कैसे निकाला जाए, कैसे हासिल किया जाए, येन केन प्रकारेण, इसमें ये व्यक्ति पारंगत होता है। संतोष क्या होता है, संतुष्टि क्या होती है, यह व्यक्ति जानता ही नहीं। जीवन के अंतिम पड़ाव तक यह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए निरंतर अपना मानसिक और शारीरिक सक्रियता बनाए रखता है। अब चूंकि मेष लग्न है, मंगल की हमने बात की लग्न में होने की, तो यह हो गई एक मांगलिक कुंडली। यदि यह व्यक्ति कुंडली मिलाकर के विवाह ना करे तो उसको यहाँ पर जीवन साथी से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, गृहस्थ जीवन कलहपूर्ण रह सकता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इस व्यक्ति के हो सकते हैं। अपने पुराने साथियों से इनको हमेशा सावधान रहने की मैं यहाँ पर अपनी तरफ से सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने इस योग में व्यक्ति को यदि धोखा कहीं से मिलते हुए सुना, देखा, अनुभव किया है तो स्वयं के ही पुराने राजदारों के द्वारा। उच्च शिक्षित ये स्वयं भी होते हैं और इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है अर्थात परिवार के सभी सदस्य भी उच्च शिक्षित होते हैं। प्रायः ये वकालत की शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु वकालत को एक पेशे के रूप में लंबे समय तक ये नहीं अपनाते हैं। तो साथियों, हमेशा की तरह राजयोग की चर्चा के साथ ही मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि यदि आपकी मेष लग्न की जन्म पत्रिका है तो आपकी कुंडली में भी ये योग घटित होता हो। साथियों, राजयोग की इस विशिष्ट श्रृंखला पर यकीन मानिए कि हम बहुत मेहनत, बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं। जो भी एपिसोड आपके समक्ष आता है उससे पहले हमारी रिसर्च टीम और मैं स्वयं उसका प्रैक्टिकल कई हजार कुंडलियों पर करके देखते हैं, तब हम आपके पास में किसी भी प्रकार की जानकारी लेकर के आते हैं। इसलिए आप आंख मूंद कर हमारे एपिसोड्स पर यकीन कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ें आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ब्रजेश छतबार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बागासुरा गुजरात से। आपने जानना चाहा है कि सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में है या नहीं। लगातार आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं पर सफलता है कि आपसे दूर भाग रही है। ब्रजेश जी, आपकी कुंडली में भी एक राजयोग घटित हो रहा है। स्वयं सूर्यदेव जो कि सरकारी नौकरी के कारक है, उच्च के होकर के और न केवल उच्च के होकर के बल्कि वो कर्म स्थान में स्वयं विराजमान है, तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा आपको इंतजार नवंबर 2022 तक का करना पड़ सकता है। मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। अब साथियों, आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने जिस राजयोग की चर्चा की, जो व्यक्ति को पैसा, पावर और पॉलिटिक्स तीनों प्रदान कर रहा है, इसका शास्त्रीय, इसका क्लासिकल नाम क्या है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।